गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे करंट अफेयर ऑफ 13 अप्रैल 2022। तो हमारा फर्स्ट है, हाल ही में UIDAI ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो किसके साथ किया है? इसरो के साथ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। सेकंड है, ओ हेनरी पुरस्कार के विजेता कौन है? अमर मित्रा। किस भाषा के लेखक है ये? बंगाली भाषा के लेखक है। थर्ड, हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा है वो? गुजरात। फोर्थ है, हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो कितने जीते? 10। इसमें 3 तो गोल्ड है, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बना है? वो बने हैं हमारे मनोज सैनी। कौन बने हैं? मनोज सोनी। सिक्स है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रॉ पिक 2022 जीती किसने? चार्ल्स लेकलर ने। सेवन, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? ये बनेगा जयपुर में। एट, देवेंद्र झांझड़िया कौन सा पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट बने हैं? वे हैं पद्म भूषण पुरस्कार। नाइन, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बनाया हमारा केरल। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? बी चंद्र शेखर। इलेवेंथ, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं हमारे शिखर धवन। यहाँ पे मैं बताती हूँ, BCCI की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1928 में। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पार्किंस दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 11 अप्रैल को। हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया? वो हमारा पंजाब नेशनल बैंक। 15 है, भारत ने यूएन वुमेन के लिए हाल ही में कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? 5। नेक्स्ट है 16, लाल सलाम किताब लिखे स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट है, UCCN की लिस्टेड में किस शहर को शामिल किया गया है? वो है श्रीनगर। UCCN की फुल फॉर्म है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। नेक्स्ट है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 18। कितनी है? 18। हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार पहुंचा? वो है हमारा देश भारत। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सत्यपाल मलिक। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारम्भ किया NCW ने 1999 में। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया? वो है पश्चिम बंगाल। रणगौर पर्व मनाया जाता है कहाँ पे? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी व संस्कृत पुस्तकों में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की? वो है हिमाचल प्रदेश। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की मिला किसे मिला? नीलमणि फूकन को। दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन है? विकास कुमार। 2023 में कौन सा देश कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा? वो है हमारा देश भारत।
नेक्स्ट है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा कौन सा, विक्टोरिया, किस कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में। एनएमडीसी ने 80वें स्को शिखर सम्मेलन 2022 में कितने पुरस्कार जीते, दो, एक स्वर्ण और एक रजत। अगर आपको हमारा करंट अफेयर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।